करौली से दिखाने जा रहे हैं आपको अगली खबर, जहां पर रमसा द्वारा दी गई बिल्डिंग की डीपीसी में मिलावट करने के ग्रामीणों ने लगाए हैं आरोप, आगे की जांच पड़ताल है जारी। हिंडौर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीप के पूरे के लिए रमसा के द्वारा 43 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे 4 कमरों में ठेकेदार के द्वारा डीपीसी में मिलावट एवं हल्की गुणवत्ता की गिट्टी व बजरी का उपयोग में लिया जा रहा है। नाहर सिंह डागुर और ग्रामीणों ने बताया कि डीपीसी को रात में किया जाता है और डीपीसी को रात में करने का कारण ना ही तो कोई देखने पर परखने वाला होता है और ठेकेदार की लेबर के द्वारा आराम से डीपीसी में मिलावट की जाती है। ग्रामीणों ने गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे तो डीपीसी में गिट्टी बजरी के साथ मिट्टी की मात्रा अधिक मिलने पर गाँव वाले ने कहा कि यह क्या है, तो लेबर का जवाब था कि रात में अंधेरा होने व लाइट जाने के कारण ऐसा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि इसकी जांच कराकर बेहतर गुणवत्ता का काम कराया जाए। इस मौके पर अशोक सिंह, मदन मोहन, पुरुषोत्तम, श्याम, विजेंद्र आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे।